नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों, अगर आप भी कॉल करने या फिर म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन्स का यूज करते हैं तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। दरअसल में राजस्थान के जयपुर जिले में चार्ज करने के दौरान ब्लूटूथ हेडफोन में धमाका होने की वजह से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि हादसे का शिकार 28 साल का युवक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था। यह हादसा चूमू कस्बे के उदयपुरिया गांव में हुआ। हादसे के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोस्तों, दरअसल में राकेश कुमार नागर घर में ब्लूटूथ हेडफोन लगाकर बैठा था और उसे चार्ज करने वाले प्लग से जोड़ रखा था। गोविंदगढ़ पुलिस के अनुसार अचानक हेडफोन में धमाका हुआ और युवक अचेत हो गया। हादसे के बाद युवक को आनंद फानन में शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने डेड बॉडी युवक के घर वालों को सौंप दी है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ हेडफोन या फिर ईयरफोन्स को जब भी चार्जिंग पर लगा के रखें तो उनको भूलकर भी उपयोग में ना लाएं, क्योंकि उस टाइम अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो उनकी बैटरी में ब्लास्ट होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो अपने और अपनों की खैरियत के लिए ऐसा ना करें और अन्य लोगों को भी इस बारे में बताएं। क्या है सारा मामला, देखें सच की रफ्तार की एक खास रिपोर्ट।